हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली होप यू ऑल वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरल सेवन 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 सो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है अपना प्यार दिखाया है मतलब कमेंट के थ्रू ऐसा दिखाई दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो जैसे मैं आपसे करती हूँ आपने कहा कि वीडियोज़ जो है रेगुलर आना चाहिए रेगुलर डालने को तो मुझे चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हो ठीक है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आए ठीक है और जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँ ठीक है एंड थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए फिर से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सो so, आपका जो ये आज का टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी और उस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी वो आपसे कैसा व्यवहार करेंगे ठीक है एंड साथ साथ इन लॉस इन लॉस कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इन लॉस कैसे होंगे चलिए पार्टनर तो होंगे अच्छे इन लॉस कैसे होंगे तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपके जो फैमिली वाले होंगे इन लॉस आपकी फ़्यूचर स्पाउस दोनों के साथ बाउंडिंग कैसी होगी कहाँ के रहने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस खरीने में इनिशियल क्या होगा कब तक शादी हो सकती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये यह है कि आज मैं आपको रेमेडीज भी बताने वाली हूँ जिसे करके आप जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं जो भी रुकावट आ रही है उसको खत्म कर सकते हो ठीक है और जो भी गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहेंगे ना वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस भी आपको मिलते रहता है तो जो भी कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगा जो कह कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप करो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी इसलिए रीडिंग को अच्छे से देखिए समय निकाल के पूरा देखिए आपके लिए रीडिंग ठीक है सभी के लिए है मेल हो फीमेल हो सभी लोगों के लिए ये रीडिंग होता है और राइट सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए आज और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टा आई डी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है ठीक है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है डायरेक्टली आप मेरे इंस्टा आई डी पर पहुँचोगे क्योंकि बहुत सारे फेक क्रिएटर भी हैं तो आप बच सकते हो उनसे और साथ साथ नंबर को बिल्कुल इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ और राइट ओके सो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और साथ साथ आपके इन लॉस के बारे में ठीक है और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है तो ओपन माइंडेड होकर देखना है एज ए जनरल रीडिंग देखना है ओके एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सेलेक्शन कैसे करना है ठीक तो है तो बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं कुछ लोग कार्ड्स सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं ठीक है सो तो मैं आपको बता देती हूँ दोनों ही रखा है मैंने मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर आपका बर्थडे वन से सिक्सटीन के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी ठीक है और अगर आपका बर्थडे सेवनटीन से थर्टी के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रीडिंग होने वाली है एंड कार्ड है यहाँ पर आपके लिए दोनों ही बहुत अच्छा कार्ड है सबसे पहला है यहाँ पे हे फैंत का दिस इज फॉर पाइल वन ओके एंड पाइल टू के लिए है आपका द इम्परेर सो जो भी आपको अट्रैक्ट करे इंटिवली आपको सेलेक्ट करना है आप आग बंद कर लीजिए ठीक है तीन सेकेंड के लिए फिर अपने आप को खोलिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है अट्रैक्ट कर रहा है भगवान ईश्वर जी जैसल्ह गुरु जिससे आप मानते हो उनका नाम लेके सेलेक्ट करना है ठीक है सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी उसके बाद में मिलूंगी आपके आपके रीडिंग पे हेलो पाइल वन होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस हेयर फैन कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे सो so अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरी जी और इंस्टा आई के थ्रू ठीक है आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव रहिए आपको बिल्कुल मैसेजेस मिलने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगी लव लेटर हो गया नेम इनिशियल हो गया प्रोफेशन हो गया सब कुछ ओके सो प्लीज़ कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर मे डी व्यूअर्स कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस प्लीज कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ओ माई गॉड टट्स ग्रेट पहला कार्ड ही इतना ज्यादा अच्छा आया आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है ओ माई गॉड टट्स ग्रेट बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है इस तरह से नहीं प्लीज गॉड गिव मी वन कार्ड प्लीज गॉड गिव मी वन कार्ड ओके बहुत अच्छा मैसेज है थ्री ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है ओके ठीक है कुछ करेंट सिचुएशन भी कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी द सन का भी एनर्जी है एंड देन है आपके लिए दिस वन ठीक है ओके सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये रीडिंग सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपका पहला कार्ड आया है यहाँ पे जो लोग भी फ्रस्ट्रेट है गुस्से में है परेशान है भगवान से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सारी नाराजगी आपकी काफ़ी जल्दी खत्म होने वाली है बिकॉज आपके लाइफ में सनराइज होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में आपके पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे शादी होते हुए दिखाई दे रही है एंड ये सारी चीज़ें होगी फोर मंथ के अंदर ठीक है फोर मंथ के अंदर आपकी शादी फिक्स भी होगी और कुछ ना कुछ ओकेजन वगैरह हो सकता है जैसे कि सगाई वगैरह आपका हो सकता है कुछ ना कुछ रिचुअल्स हो ही जाएगा तो ये चीज़ है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे आपका करेंट सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा देखिए ये थ्री ऑफ सोर्स जो कार्ड आया है इसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हो हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स को बता तो दिया है ठीक है लेकिन आपके जो पेरेंट्स है वो रेडी नहीं हो रहे हैं शादी के लिए ठीक है कि आपके रिश्ते को नहीं मान रहे हैं आपके पेरेंट्स तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से ही दुख देखने को मिल सकता है उनसे झगड़ा हो सकता है ये उनके लिए हो सकता है जो अपने करेंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अरेंज मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे ठीक है अरे अरेंज मैरिज जो करने वाले हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा मैरिड लाइफ और साथ साथ काफ़ी धूमधाम से उनकी शादी होगी काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स के साथ शादी होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी फैमिली फिक्स करेगी शादी जिसके साथ वो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग होंगे बहुत फेथफुल होंगे बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे ठीक है और जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली वैसे ही होगा जिनका अरेंज मैरिज होने वाला है लेकिन हाँ शादी से पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है स्टैंड लेना पड़ सकता है वेट करना पड़ सकता है ठीक है और इस बीच हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके फैमिली से झगड़ा हो सकता है आपकी खुद के फैमिली से आपका झगड़ा हो सकता है ठीक है ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अकेला फील कर सकते हो आप और आपके पार्टनर ऐसा फील होगा कि कोई नहीं है आपके साथ तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो भी रिलेशनशिप में है ना यहाँ पे तो आप दोनों के बीच में ही बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी का कमिटमेंट तो आप दोनों एक दूसरे को दे चुके हो लेकिन आप दोनों के बीच में खुद बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है आप दोनों खुद ही जो है झगड़ लेते हो फिर कभी कभी आप खुद कह देते हो मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है तो इस तरह से आप दोनों के बीच में बात चली जाती है तो यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है ना कि ठीक है आप शादी करना चाहते हो अपने करेंट पार्टनर से आप डेफिनेटली कीजिए लेकिन उसके पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ठीक है जो कमिटमेंट आपने दिया है उस कमिटमेंट पे सच में खड़ा हो उतरना ठीक है और जो कमिटमेंट दे रहे उसके बारे में बिल्कुल लॉयल रहिए बार बार अपने जो जीवन से कहे गए वर्ड्स है उसको चेंज ना कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना जब बातें करते हो अच्छे से तो आप लोग बहुत अच्छे से स्वीटली बातें करते हो अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हो लेकिन जब झगड़ा होता है तो फिर जो आपने थोड़ी देर पहले बातें की थी अच्छी बातें की थी वो सारी बातों से मुकरने लगते हो या तो आपके पर्सन ऐसा करते हैं या फिर आप यह तो हो सकता है कि दोनों ही करते होंगे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत होता है तो अगर आप चाहते हो कि सुधार हो रिलेशनशिप में तो इस रिलेशनशिप को पहले आपको बेहतर बनाना होगा तभी आपको शादी के लिए सोचना चाहिए जो भी करंट पार्टनर के साथ शादी करना चाहती हो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादी कर लेते हो फ्लो फ्लो में बहते हुए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसलिए अगर आप अपने करियर पार्टनर से शादी करना चाहते हो पहले रिश्ते को अच्छा कीजिए स्ट्रांग कीजिए बाउंडिंग अच्छा कीजिए अपने पर्सन के साथ ठीक है वरना प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है ये स्पेशली उनके लिए है जो लव मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है कि आपको वेट करके इंतज़ार करके पहले देखना तो चाहिए कि वो पर्सन कैसे हैं उनके लिए तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जो अपने पार्टनर से कभी मिले ही नहीं है ठीक है ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप मेट्रोमोल साइड पे मिले हो मे भी कभी वीडियो कॉल भी किया होगा या फिर हो सकता है बस ऑडियो कॉल आपने किया है बात ऐसी हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको पहले इस पर्सन के साथ नाइन मंथ तक या थ्री मंथ फोर मंथ ज्यादा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ मिलिए टाइम स्पेंड कीजिए घुलिए मिलिए उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये आपकी जीवन साथी है या नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दो कार्ड आप देख रहे हो ना इतने सारे अच्छे कार्ड्स के बीच में ये दो कार्ड क्यों आया क्योंकि आपको गाइडेंस देना चाह रहे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो आपको अवेयर तो रहना है आपको उस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में पहले जानना है तभी आपको शादी करनी होगी ठीक है ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है सो so, जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए बहुत अच्छा होता है लव मैरिज लेकिन हाँ आपको सतर्क रहना है क्योंकि मुझे अभी का जो रिलेशन दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल डगमगाया हुआ सा है बहुत ज़्यादा अपस एंड डाउंस है और सबसे बड़ी बात यहाँ आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो ठीक है तो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी के साथ थोड़े दिन के लिए टाइम पास कर रहे हो टाइम स्पेंड करने के लिए आ, डील करके रिलेशनशिप में आए हो तो वो चलेगा ठीक है लेकिन अगर आपको हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ रहना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके वर्ड का उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट रखना ठीक है उनके पर्सनैलिटी का हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट रखना ठीक है जो कि दिखाई नहीं दे रहा आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा रूड रहते हैं रूडली बात करते हैं ना ही वो आपको कभी गिफ्ट देते हैं यहाँ पे मत, गिफ्ट कहने का मतलब है मेमोरीज वगैरह ठीक है ऐसी भी चीज यहाँ दिखाई दे रही है जो अभी आपके पर्सन है करेंट पर्सन वो हो सकता है बहुत बिजी भी रहता है टाइम भी नहीं देते तो इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है अगर आप चाहो तो न्यू पर्सन के लिए इंतजार कर सकते हो या फिर इसी पर्सन के साथ अगर आपको शादी करनी है तो फिर इस पर्सन को भी सुधरना होगा इस पर्सन में आपको सुधार लानी होगी और इस रिलेशनशिप में सुधार लेकर आना होगा और खुद में भी ठीक है क्योंकि अगर जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्यार मिले रिस्पेक्ट मिले तो आपको भी वो चीज़ करना होगा आपको भी प्यार से बातें करनी होगी रिस्पेक्ट करना होगा ठीक है तो ये चीज़ है यहाँ पे और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये यह दिखाई दे रही है कि जिसकी भी शादी यहाँ होने वाली है ठीक है टाइम यहाँ पे मे भी सेवन मंथ लग सकता है ठीक है फोर मंथ लग सकता है फोर मंथ में कुछ बड़ा कमाल होने वाला है आपके मैरिड लाइफ में ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर मंथ आप याद रखो फोर मंथ बहुत कुछ बड़ा हो सकता है ठीक है एंड देखिए आपके जो पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी होगी जो भी पे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो ठीक है उसके साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करें तीन चार साल उसके बाद शादी करें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने आपको बताया कम से कम नाइन मंथ या फिर थ्री मंथ जो है उनके साथ आप बातें कीजिए वैसे भी शादी में टाइम तो लग ही जाता है ठीक है तो उससे पहले इस पर्सन के साथ बाउंडिंग बनानी होगी समझना होगा उसके बाद ही शादी करनी होगी वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं एंड ये पर्सन किसी और कंट्री किसी और स्टेट के भी हो सकते हैं नर्सनैलिटी में डिफरेंट हो सकता है डिफरेंस ओके सो ये चीज दिखाई दे रहा है ये पर्सन कैसे होंगे पर्सनैलिटी की बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्सन है एक किंग की तरह है एक एम्प्रॉयर की तरह है ठीक no है नो डाउट है ही बिल्कुल एक एम्प्रॉयर की तरह है और ये जो पर्सन है ना सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि हर एक वो किंग वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारी चीज़ों को ये पर्सन निभाते हैं ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ठीक है चाहे ये पर्सन रेस्ट भी करते रहेंगे आराम भी करते रहेंगे संडे का भी टाइम रहेगा ना अगर इनको कोई कह दे फैमिली में कि ये चीज कर दो मेरी मदद कर दो तो ये उठ कर चले जाते हैं हेल्प करते हैं हर तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं इट मीनस कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं तो आप इस बात से समझ लो कि ये जो पर्सन है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कितना ज़्यादा आपको लेकर सीरियस होंगे वो कितना ज़्यादा आपको लेकर लॉयल होंगे ये कार्ड यही दर्शाता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल है फेथफुल है सपोर्टिव है ओपन माइंडेड भी है दूसरी बात ये पर्सन कल्चर्ड होंगे ठीक है बहुत ज्यादा ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो करना कल्चर को फॉलो करना एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी ये जो पर्सन है आपके ही रिलीजन के होंगे जिनकी भी शादी अरेंज होने वाली है बिल्कुल वो पर्सन आपके ही रिलीजन और आपके ही कम्युनिटी कास्ट वगैरह के दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू होगा स्काई ब्लू हो सकता है ड्रेस में आपको मिले शर्ट पहने हुए रहे ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है और ये पर्सन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन मिलेंगे ही चैरियट की एनर्जी है उसके बाद ये जो पर्सन है कहीं दूर से आपसे मिलने को आ रहे हैं चैरियट आपको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे ठीक है विजडम भरे होंगे एंड विजडम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें ही पता होंगी इनको ये भी पता होगा कि क्या बुरी चीज़ें होती हैं किन सारे बुरी चीज़ों से बच के रहना चाहिए हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ एडिक्शन वगैरह फेस किया होगा देखा होगा वैसे भी फेज आए होंगे जब ये टीनेजर रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें हैं तो इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन कभी भी गलत चीज़ों में पड़े नहीं है पूरी तरह ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी टैलेंटेड होंगे और समय रहते हुए भी खुद को संभालने वाली ये पर्सन है एक्शन इनका बहुत अच्छा होगा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं गोल ओरिएंटेड होंगे डेफिनेटली गोल ओरिएंटेड होंगे देखिए अगर इस पर्सन को अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है तो ये जो पर्सन है काम भी बहुत अच्छा करते होंगे हार्डवर्क करते होंगे वही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस वो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग होंगे एम्बीशियस होंगे ठीक है ये चीज है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी इनका साइन हो सकता है ओके सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिनका भी अरेंज मैरिज होने वाला है ना वो इन लॉस के साथ बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने इन लॉस के साथ नहीं रहेंगे हो सकता है कि वो हनीमून के लिए कहीं वार्म क्लाइमेट में जाएँ ठीक है या फिर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वैसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो ठीक है और उनको वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ सकता है ऐसी कंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड अगर आपकी शादी होगी उसके बाद जब बेबी होगी तो बेबी बॉय होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल और आपके जो पर्सन होंगे इनको सनफ्लावर काफ़ी पसंद होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको घर लेकर जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे गार्डन है और उस गार्डन के अगल बगल में बहुत सारे सनफ्लावर हैं ठीक है एंड येलो कलर के रोजेस uh, भी हो सकते हैं फ्लावर्स हो सकते हैं इनका फेवरेट कलर येलो भी मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है ये एनर्जी है आपके पर्सन के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर्मे डीयर व्यूअर्स दिस वन ओके मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपका करंट सिचुएशन देखिए कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेलीमा में हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो तीन पर्सन है या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और आपके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे हैं और अब आप कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हो कि मुझे शादी किससे करनी चाहिए क्या मेरे पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो मेरे लिए सही है या फिर मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे लिए सही है ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है इट मीन्स कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ सीरियस नहीं हो क्योंकि अगर आप उस पर्सन के साथ सीरियस होते और पूरी तरह कमिटेड होते आपको ऐसा लगता कि ये मेरे लिए सही है तो आप ये क्वेश्चन आपके मन में आता ही नहीं आपके मन में यही होता कि मुझे इसी से शादी करनी है चाहे मेरे पेरेंट्स कितने लोगों को भी क्यों ना देख लें ठीक है तो ये होता आपके अंदर ये दृढ़ता होती ठीक है ये आपका बिल्कुल डिसीजन होता लेकिन ऐसा अगर कन्फ्यूजन है आपके मन में ठीक है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो ऐसा नहीं कि आपका सोच खराब है या फिर आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते सीरियस नहीं है इसलिए आप भी उनको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हो सोचते हो कि वो उसके साथ अगर मैं शादी करती हूँ या कर लेता हूँ तो क्या वो मेरे साथ खुश रहेगी क्या मैं उसके साथ खुश रहूँगा वो मुझे खुश रखेगा या नहीं रखेगा तो इस तरह का आपके मन में सवाल चलता है अगर ऐसा चल रहा है तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और धीरे रख के थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है अगर घबरा के अगर आप लव मैरिज करते हो तो मे भी आगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है मे भी बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं करे ये जो जिसके साथ आप शादी करोगे ठीक है जो आपके करेंट पार्टनर होंगे इसलिए या आपका जो कन्फ्यूजन है चाहे तो आप अपने पर्सनल रीडिंग ले सकते हो किसी टैरो रीडर से मिलके अपना कांटेक्ट करके देख सकते हो कि जो आपके करंट पार्टनर है उससे आपको शादी करनी चाहिए या फिर कोई न्यू पर्सन के लिए इंतज़ार करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद किसी न्यू पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए ऐसा खुद आपको यूनिवर्स कह रहे हैं मे बी टाइम लग सकता है जो भी अभी करेंट पार्टनर के साथ है ना उनको हो सकता है कि इनको भूलने में टाइम लग सकता है किसी नए पर्सन को आने में इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है उसके बाद ही और जो भी लव मैरिज वाले हैं उनको सेवन मंथ लगेगा और जो भी अरेंज मैरिज करने वाले हैं उनका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर मंथ में ही बहुत कुछ होने वाला है ठीक है ये चीज़ है क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो प्यार किए हो उसको भूलने में भी, भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना फिर न्यू पर्सन आएंगे उनके साथ बाउंडिंग बनेगी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो बहुत सारे गाइडेंस भी आ रहे हैं आपके लिए इस रीडिंग में और क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ गॉट गिवे एक्यूरेट मैसेज ओके फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो यहाँ पे हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड अगर आप ये सोच लिए हो कि वही आपसे शादी करेंगे तो शायद वो आपसे शादी ना करें ठीक है हो सकता है वो कमिटमेंट दिए हैं लेकिन वो आपसे शादी नहीं करेंगे ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है और चाहे आपका कितने भी टाइम से क्यों ना रिलेशन चल रहा हो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है छोटे पैमाने पर कर रहे हो लेकिन कर रहे हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट मुझे कहीं और दिखाई दे रहा है तो जो भी करेंट पार्टनर के साथ हैं उनको बच के रहने की जरूरत है अवेयर रहने की जरूरत है बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं बार बार आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको कुछ और कार्ड्स लेकर बताती हूँ क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन व दैट्स ग्रेट क्रिएट एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है वर्ल्ड की एनर्जी है टू ऑफ वंट्स की एनर्जी है काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं एंड एक है द हार देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज्यादा इनलाइटमेंट लेकर आएंगे लाएंगे, आपके लाइफ में आपके लाइफ में वो खुशियाँ लेकर आएंगे और जिसका भी शादी फिक्स होने वाला है फोर मंथ के अंदर एट मंथ के अंदर जो है आपकी शादी हो ही जाएगी ठीक है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी जो है आपकी फिक्स होती है एंड देन फिर से कुछ ना कुछ वजह से फाइनल स्टेज पे आके जो है आपका रिश्ता टूट जाता है या शादी में रुकावट आ जाता है एंड ऐसा दो तीन बार आपके साथ हुआ होगा या किसी के साथ हुआ है ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी के लिए तो आया है ये मैसेज ठीक है एंड जिसके लिए भी आप जरूर बताएं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये टेंशन है तनाव बार बार आपको दूसरों से सुनने को मिलता होगा कि तुम्हारा शादी क्यों टूट जाता है तो दुख तो होता होगा तकलीफ होता होगा मैं समझ सकती हूँ कि आपको तकलीफ कितनी होती होगी लेकिन यहाँ पे ये जो लोग बोलते हैं सभी का बोलती बंद होने वाला है क्योंकि एट मंथ के अंदर आपकी शादी होगी एंड शादी से रिलेटेड जो भी रुके हुए काम है वो एट मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे ऐसा खुद ही दोनों ही कार्ड आया है एट मंथ के अंदर द वर्ल्ड का कार्ड है इट मीन्स कि एट मंथ के अंदर कंप्लीट होने वाला है आपका सारा काम मैरिज से रिलेटेड क्योंकि ये जो वर्ल्ड कार्ड है आपको कंप्लीट कंप्लीशन का होने का बताता है मतलब कि आपकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है मैरिज कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद दो साल के अंदर ही आप अब्रॉड वगैरह भी शिफ्ट हो सकते हो ठीक है ये जो पर्सन है दो मंथ के अंदर भी आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं एंड ये जो पर्सन है काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे शादी के बाद जानना चाहोगे ना आप कि कैसा होगा आपका मैरिड लाइफ तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी सिक्योरिटी होगी आपके पर्सन सपोर्टिव होंगे एंड एक कार्ड है आपके लिए वो है फोर ऑफ सोर्ट्स फोर ऑफ सोर्ट्स एनर्जी आपको ये बता रही है एंड यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एप्रीसिएशन आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है आपके इन लॉस से भी ठीक है वैसे मैं आपको बताऊंगी अब की कैसी रहेगी बाउंडिंग देखिए टेन ऑफ कप्स है आपके लिए आपको ये बता रही है कि हो सकता है शुरुआत में बाउंडिंग क्रिएट होने में इन लॉस के साथ थोड़ा आपको टाइम लग सकता है ऐसा नहीं कि झगड़ा होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं आप थोड़े से शांत से रहोगे ठीक है उसके बाद क्या होगा कि इनके साथ फोर मंथ के अंदर शादी के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से आप घुलने मिलने लगोगे आपके दो बेबीज होने के चांसेस हैं एंड इतना अच्छा टाइम आप इस पर्सन के साथ बिताओगे इन लॉस के साथ बिताओगे इतना अच्छा टाइम आपने कभी भी अपने लाइफ में नहीं बिताया होगा और बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा इस मैरिड लाइफ में आपका एंड ये मैसेज सिर्फ फर्स्ट मैरिज वालों के लिए नहीं बल्कि सेकेंड थर्ड मैरिज सभी के लिए है ठीक है मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाउंडिंग कैसे रहने वाले हैं पर्सन के साथ प्लीज कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ओके नाइन ऑफ फायर की एनर्जी है यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर्स पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे वो आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे काफ़ी ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा ये बाउंडिंग होगा एंड ये जो पर्सन है कभी भी गिव अप नहीं करने वाले इस रिलेशन पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है कितना भी एफर्ट लगाना हो ये ज़रूर लगाएंगे आपको खुश रखने में प्यार करने में ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन के आने की वजह से आपकी मन के अंदर जो भी फियर है जो भी डर है वो सारे डर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि शादी के पहले लड़कियों में बहुत ज़्यादा डर होता है ठीक है स्पेशली ऐसा नहीं है कि मेल uh, में नहीं होता मेल में भी होता है लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है स्पेशली फीमेल में काफ़ी ज्यादा यहाँ पे डर दिखाई दे रहा है एंड ये जो डर है आपका खत्म हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा जब ये पर्सन आपके करीब होंगे आपको अपने गले से लगाएंगे ठीक है आपको अपने पास रखेंगे तो फिर सारे डर खत्म हो जाएंगे मैरिड लाइफ को लेकर एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड फिर से है मतलब कि ये जो पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जो कि आपको पूरी तरह कंप्लीट कर रहे हैं एंड यस ये जब आपकी शादी होगी ना तो ये एक पाथ खुलेगा और वो पाथ होगा इनलाइटमेंट का सडन चेंजेस का ट्रांसफॉर्मेशन का ठीक है और यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में जॉब वगैरह नहीं है ठीक है आप जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली जॉब भी आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा जॉब मिलेगा एंड ये सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड कीजिए अभी ठीक है आप लोग जरूर लिखिए आई लव यू गॉड आई लव यू यूनिवर्स या फिर आप जिसे भी मानते हो इस वो जी जैसे अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हो आप उनका नाम लिख के आई लव यू लिख सकते हो कमेंट में एंड यहाँ पे है दिस वन प्लीज फॉर बी मे क्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स ओके सो आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं लॉजिकल पर्सन होंगे ऑनेस्ट होंगे लेकिन ठीक है उसके बाद यहाँ पे इंपल्सिव एक्शन लेते होंगे ये पर्सन गुस्सा भी करने वाले दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस पर्सन का जो साइन जिमनाई एक्वेरियस लिब्रा होगा और ये बहुत चुलबुले टाइप होंगे स्टेबल नहीं रहते होंगे कुछ ना कुछ करते रहना ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है कभी फ्री रहेंगे फॉर एग्जांपल कुछ जॉब वगैरह करते हैं गवर्नमेंट जॉब में है ये पर्सन तो जिस दिन ये फ्री रहे लाइक सैटरडे को संडे को उस दिन ना कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप करते हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब इस पर्सन के साथ आप कभी भी बोर नहीं फील करोगे इंजॉय करोगे हर एक पल को ओके okay, क्यूरियस होंगे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे बहुत बुक्स वगैरह पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा देखिए लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ के बहुत सारे सिग्निफिकेंट ब्यूटीफुल इवेंट जो है इस पर्सन के साथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो और ये पर्सन आपको खुद ही एक्सपीरियंस कराएंगे नई नई चीज़ों से रूबरू कराएंगे एंड पावरफुल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो कि अनफोल्ड है वो आपको देखने को मिलेगी ठीक है यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप शुरू के टाइम में अनकम्फर्टेबल फील करो ठीक है इन लॉस के साथ एंड पर्सन के साथ भी जिसकी अरेंज मैरिज होगी लेकिन ये पर्सन जो है ना इस पर्सन के साथ आप धीरे धीरे इतना ज़्यादा अच्छा फील करने लगोगे कि आप जो है हर एक छोटी से छोटी बातें जो कि आपने अपने कॉलेज में स्कूल में स्पेंड किया वो सब चीज़ें जो है बताओगे इस पर्सन को ठीक है तो इस तरह का आप दोनों का बाउंडिंग होगा और क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज कॉट गिव मेक यू एक मैसेज तो बिल्कुल ऐसा ही बॉन्डिंग होना चाहिए बिल्कुल एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होनी चाहिए पार्टनर के साथ एंड वही चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ठीक है उसके बाद है यहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमोगे अगर कुछ लोग यहाँ पे जिनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये क्लियर मैसेज है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे ठीक है क्योंकि इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ठीक है तो इस वजह से सबसे पहले आप वर्ल्ड टूर करोगे ट्रैवल करोगे कहीं शिफ्ट हो सकते हो हो सकता है दो तीन ईयर पे आपको कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाना पड़े शिफ्ट होना पड़े इस तरह की चीज़ें हां दिखाई दे रही हैं और भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जस्ट वन कार्ड द सन ओ माई गॉड फिर से सन कार्ड आ चुका है मतलब जिससे आपकी शादी होने वाली है या फिर अभी कोई रिश्ता वगैरह आया है तो डेफिनेटली आप उनसे शादी कर सकते हो और 19 डेज के अंदर कोई रिश्ता आया हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है उनसे शादी करोगे काफ़ी हैप्पी आउटकम्स आपको मिलेगा ठीक है और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको आपके करियर में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे है सो so, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे उस पर्सन के साथ टोकी तो ठीक है ओके सो okay, so यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूं कि आपके जो इन लॉस हैं वो कैसे होंगे प्लीज कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज कैसे होंगे इनके इन लॉस सो यहाँ पे है यूनिवर्स का कार्ड डेस्टिनी का कार्ड का कार है देखिए ये आपके डेस्टन लाइफ पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और क्या है प्लीज कॉट गिवीरेट मैसेज कैसे होंगे लॉस पावर का कार्ड है ओके सो so, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन लॉस में कुछ लोग जो है एडवोकेट हो सकते हैं लॉयर हो सकते हैं आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं पॉलिटिक्स में हो सकते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं ठीक है पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे बहुत ज़्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा अपने लाइफ में ठीक है ये चीज़ है इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कुछ लोगों का झगड़ा वगैरह भी हो सकता है ठीक है या फिर अकेला फील कर सकते हो उसके बाद क्या है बैलेंस सो so, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होने वाला है जब शादी होकर अगर आप जाओगे तो ठीक है उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर धीरे धीरे आपको अच्छा फील होने लगेगा ठीक है क्योंकि कभी भी आप किसी नए लोगों के बीच में जाते हो तो थोड़ा आप ज़्यादा ही कॉन्सियस हो जाते हो और थोड़ा ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हो तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव सोचोगे सब कुछ अच्छा रहेगा एंड यस डेफिनेटली आपके इन लॉस के साथ आपका बैलेंस होगा रिलेशन में ठीक है एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके इन लॉस ठीक है एंड काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही ज्यादा पैशनेट होंगे ये पर्सन आपको लेकर ठीक है मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है ओके प्लीज गॉड गिव मे क्यूरेट मैसेज आपने करेंट पार्टनर से मैच कर सकते हो ई एन आर जेड है प्लीज गॉड गिव मे क्यूरेट मैसेज वाई एस ओ D J H U P एंड एक लास्ट है वो आपका M ठीक है so, सो ये ब्यूटीफुल नेम इनिशियल है आपके पर्सन के फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री से है प्लीज़ कॉट गिवी एक्यूरेट मैसेज या फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद इन सारी कंट्री में आप शिफ्ट हो जाओ ठीक है सबसे पहले यूएसए है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो फ्रांस यूके डेनमार्क आइसलैंड इंडोनेशिया ये सारे जो है कंट्री यहाँ से हो सकते हैं या फिर यहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो शादी के बाद या फिर घूमने फिरने के लिए हनी के लिए जा सकते हो ब्राज़ील जापान एंड एक लास्ट है वो आपका ओके दो है यहाँ पे अर्जेंटीना पाकिस्तान एंड एक लास्ट है वो कनाडा ठीक है तो ये सारे कंट्रीज आना चाह रहे थे मैंने आपको बताया कि इन सारे कंट्रीज से आपके पर्सन हो सकते हैं एंड स्टेट भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से स्टेट के होंगे आपके पर्सन प्लीज कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज यहाँ पे है उड़ीसा ब्यूटीफुल सिक्किम आंध्र प्रदेश चंडीगढ़ मणिपुर गुजरात लक्षद्वीप उत्तराखंड बिहार मिजोरम प्लीज कॉड गिव मी me एक्यूरेट मैसेज कॉमेडी व्यूवर्स कहाँ से हो सकते हैं उत्तर प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड एक लास्ट है वह आपका कर्नाटका तो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहां से आपके पर्सन होने वाले हैं स्टेट है अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि कभी भी आप दोनों के बीच में कुछ छोटा मोटा नोकझोंक होगा तो ये जो पर्सन आपको कहेंगे वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर एंड देन यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं यूर नोस इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड ओके एंड देन है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो ओके उसके बाद है यू आर ऑनेस्ट विथ मी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट सो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस वो आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे इसलिए वो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायरिटी पर टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे एंड देन इफ आई डाई टूमोरो आई वुड नो आई फाउ माई सोनमेट इन दिस लाइफ ओके okay, सो so इनको पूरी तरह यकीन होगा जब आपके साथ होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप इनके सोलमेट हो ठीक है आप जो है इनको कंप्लीट करते हो उसके बाद है यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो आपको हमेशा ब्यूटीफुल सरप्राइजेस देते रहा करते होंगे यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम वो आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे नेम देंगे ठीक है और क्या है ओके okay. यू कैन गेस वर्ट आई एम गोइंग टू से तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन है एक दूसरे को समझ रहे हो एक दूसरे को देख कर ही समझ रहे हो क्या कहने वाले आपके पर्सन यू हैव द cutest स्माइल ऑन द अर्थ सो ये पर्सन आपके लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ठीक है फिजिकल अपियरेंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं सो so अब मैं आपको बताऊँगी कि क्या है आपके लिए रेमेडी ठीक है रेमेडी है आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी आपकी शादी वगैरह की बात चले तो उस वक्त आप हमेशा एक न्यू क्लॉथ पहनकर जाया करें ठीक है उसके बाद जल अभिषेक भी आप कर सकते हो शिवलिंग पे ठीक है जल अभिषेक जो है आपको पवित्र वाटर के साथ ही करना है एंड या फिर फिर से यही मैसेज है आपके लिए एवरी मंडे मॉर्निंग जरूरी नहीं कि हर दिन ठीक है एवरी मंडे मॉर्निंग मिल्क या फिर वाटर से आप जो है जल अभिषेक कर सकते हो और जो भी लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इसको या फिर अगर आप चाहते हो नॉनवेज वगैरह छोड़ना कि आप पे डिपेंड करता है तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो ठीक है ऐसा कहा जा रहा है रेमेडी है आपके लिए इसने मैंने आपको बता दिया देन यहाँ पे है आफ्टर टेकिंग अ बाथ ऑलवेज यूज अ गुड फ्रेग्रेंस यहाँ पर यह चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अच्छा परफ्यूम यूज करना चाहिए जो भी आपको पसंद है परफ्यूम हो गया इतर हो गया जरूर यूज कीजिए ठीक है आफ्टर टेकिंग बाथ और उसके बाद है यहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि बॉयज़ के लिए स्पेशली ठीक है यहाँ पे आपको हैबिट बनाना चाहिए कि आप लोग मॉर्निंग में उठे ठीक है वैसे दोनों के लिए ही अच्छा है और उसके बाद टेक अ वॉश और ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स जो है मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आप चैन कर सकते हो एंड एक लास्ट है वो आपके लिए ओके okay, बहुत सारे लोगों का राहु दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रहे हैं सो so, आप जो है गॉडेस दुर्गा का पूजा कर सकते हो वर्शिप कर सकते हो अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अगरबत्तियाँ दिखाओ ठीक है धूना वगैरह ये सब धूप वगैरह दिखाओ आप जो है दिल से भी याद करके उनको आ, प्रेयर वगैरह उनके सामने कर सकते हो रिक्वेस्ट के तौर पे, ठीक है ताकि वो आपकी शादी वगैरह जल्दी से करा सके आप कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो उनके सामने वो आप पे डिपेंड करता है ठीक है आप माफ़ी वगैरह भी मांग के कर सकते हो कि मुझसे जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं उसे जरूर खत्म कीजिए और मेरी शादी जल्दी कराए मुझे मेरे सोलमिर से जल्दी से मिला दीजिए ठीक है तो ये इस तरह से आप जो है भगवान के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या होगा यहाँ पे हो सकता है ये जो पर्सन है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ब्यूटिशियन हो सकते हैं आपके पर्सन एंड देन है एक्टर हो सकते हैं बिजनेस में हो सकते हैं फिटनेस ट्रेनर एरोबिक ट्रेनर बार टेंडर म्यूजिशियन सिंगर नेवी ऑफिसर बिजनेस मैन बिजनेस वूमेन एंड कुछ और लास्ट मैं आपको बता देती हूँ बैंक पी राइटर हो सकते हैं एडवोकेट हो सकते हैं नर्स अकाउंटेंट्स लॉयर इंजीनियर भी होने के चांसेस है या फिर आई ऑफिसर आई ऑफिसर स्टेट पी ऑफिसर जज ठीक है तो ये सारे इंफॉर्मेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए होप आपको क्लियरिटी मिली होगी समझ में आया होगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पेड पर्सनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी और इंस्टा आई के थ्रू आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टा आई पे। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो मेरे रियल आई डी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इंस्टा का आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट मेरे इंस्टा आई पहुँचोगे ओके तो चलते हैं तब तक के लिए टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा जो भी फ्रॉड्स आपको मिलते हैं मैसेज करते हैं कमेंट में नंबर देते हैं बच के रहिए ठीक है थीके? और ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर हेलो पाइल टू होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता होगा चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पेड पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टा आई डी के थ्रू चूँकि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है एंड जो भी स्कैमर है उनसे बच के रहिए मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो मेरी रियल आई डी है ठीक right. so, me है और राइट सो प्लीज़ कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपके फ्यूचर्स पॉस के बारे में उनका जो भी लव लेटर है नेम इनिशियल है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी प्लीज़ कॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर मे डियर व्यूअर्स Wow, that's great. King ऑफ Wands. सेवन ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ कप्स द स्टार आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा फेमस होंगे और ऐसा है कि इन्होंने मेहनत करके अपने नेम फेम को हासिल किया ऐसा नहीं कि बैठे बैठे चीजें मिल गई हैं ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नाइन ऑफ कब्स हो वाई गॉड बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है ठीक है दो कार्ड्स और मैं आपको बताती हूँ लेकिन दिस वन एंड दिस वन देखिए आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको ठोकर मिला है बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में दुख दर्द छेला है ठीक है इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड साथ, साथ बहुत सारे लोगों का सिचुएशन मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है अभी आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो ठीक है हाल फिलहाल में ही आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कहीं ना कहीं आपको सामने से देखने को धोखा मिला है हो सकता है कि आप किसी के साथ थे किसी को पसंद करते थे ठीक है और वो हमेशा आपको ऐसा फील कराता था, था ना कि आपके लिए ही वो बना है और मतलब प्रपोज़ तो वो नहीं किया होगा आपको आपके साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आया होगा कमिटमेंट वग़ैरह नहीं दिया होगा लेकिन उसको हमेशा ये आदत होगी कि वो आपको हमेशा अच्छा फील कराता होगा ठीक है और आपको उसके बिहेवियर से ऐसा लगता होगा कि ये तो मुझे अब प्रपोज करेगा ही और एक टाइम ऐसा आया होगा कि वो अचानक से आपको ये बताया कि वो किसी और के साथ है रिलेशनशिप में तो ऐसे भी केसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसा भी आपके साथ हुआ है तो आपका दिल टूटा है ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है या तो आप रिलेशनशिप में रहे हो उस तरह भी या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते थे कोई क्रश होंगे आपके उससे भी आपका दिल टूटा है ठीक है कोई आपके साथ आपके दिल के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है यह भी दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है तो सिचुएशन आपका करेंट जो है वो अच्छा नहीं है ठीक है आपके मन में ऐसा चल रहा है कि बेटर है कि मैं अपने लाइफ में अकेले रहूँ मुझे किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना मुझे किसी से शादी नहीं करनी तो इस तरह का भी ख्याल आपके मन में आते रहता है ठीक है आपको ऐसा लगता होगा कि शायद दुनिया में सभी लोग बुरे हैं जिससे मैं शादी करूंगी क्या वो मेरे लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा रहेगी या नहीं रहेगी ठीक है तो ये सारे आपके दिमाग में चलते रहते हैं बातें फिर आप ये सोचते हो मुझे अकेले रहना है अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना फिर अचानक से आपका ऐसा तो फील होता होगा कि जब मेरी एज हो जाएगी तो मेरे साथ कोई होना चाहिए ना कोई साथ निभाने वाला होना चाहिए तो बहुत सारे आपके मन में ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं ठीक है ये तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके पास्ट के पर्सन रहे कार्मिक वो सभी लोग ने आपके साथ धोखा किया है एंड सच में किया था रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी ठीक है और कोई अगर आपकी लाइफ में अभी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो दो चक्करों में फंसा हुआ है हो सकता है कि वो किसी और को भी इम्पोर्टेंस देता है लेकिन उतना नहीं जितना आपको दे रहा है ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वो लॉयल नहीं है आपके लिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो ये भी चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है और आपके जो भी मन के कन्फ्यूजन है वो भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये भी ये चीज़ क्लियर है कि आप अभी थोड़ा सा सतर्क रहिए ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है टू ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बता रही है कि डिसीजन लेने में अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा फ्लो के साथ बढ़ते चले जाइए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो आपको पर्सन मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होंगे ठीक है जिससे आपकी शादी होगी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन होंगे एंड कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है शादी में मे बी टू ईयर थ्री ईयर भी लग सकते हैं जिनका एज बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले आपको इन सारी चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है आपको खुद ही टाइम लग जाएगा इन सारे लोगों को भूलने में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे उसके बाद आपकी शादी होगी सेकेंड थर्ड मैरिज वालों के लिए भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका फर्स्ट मैरिज अच्छा नहीं रहा आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया फिर भी अच्छा नहीं चला ठीक है और आप आप सोचते हो कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो यहाँ जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज आप लोग बहुत ज़्यादा हो ठीक है अपने शादी वगैरह को लेकर आपके मन में तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी वगैरह को लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो या फिर आप गलत सोच रहे हो तो आपकी ये जो थिंकिंग है ये काफ़ी जल्दी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं देखिए ये जो पर्सन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ये चीज़ है कि इनके लाइफ में भी बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है ठीक है मतलब कहने का ये है कि इनको भी बहुत सारे रिश्ते वगैरह आते रहते हैं शादी वगैरह कर सकते हैं लेकिन ये आपके डेस्टम पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और जितने भी रिश्ते आते होंगे ना तो इनको वो अच्छा नहीं लगता होगा अट्रैक्ट नहीं करता होगा लेकिन जब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे कभी कोई रिश्ता वगैरह आता है तो ये पर्सन आपके तरफ मंत्रभुग्ध हो जाएंगे ठीक है मिसमराइज हो जाएंगे अट्रैक्टेड हो जाएंगे और फिर ये पर्सन आपके लिए एक बार में ही हाँ कर देंगे ठीक है ये पर्सन होंगे कैसे तो इस तरह से आप देख रहे हो इनको टी शर्ट वगैरह पहनना काफ़ी पसंद होगा इनका फेवरेट कलर रेड भी हो सकता है ऑरेंज हो सकता है एंड ब्लैक ब्लैक में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे और ब्लैक पहनते होंगे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से तो मिलोगे इनको देखने को जाओगे ठीक है तो ये पर्सन ब्लैक कलर का कुछ हल्का सा टी शर्ट वगैरह पहने हुए रहेंगे फर्स्ट टाइम जब भी आप मिलोगे ओके okay? और ये जो पर्सन है ये सिंप्लिसिटी में बिलीव रखते हैं ऐसा नहीं है कि लुक्स वाइज अच्छे नहीं होंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे बहुत अट्रैक्टिव होंगे एंड यंग होंगे ठीक है यंग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ है कि जितना सिंपल रहते होंगे उतने ज़्यादा ये पर्सन अच्छे लगते होंगे उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हीलिंग दिखाई दे रही है मतलब जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना तो पुराने जितने भी लोग आपके लाइफ में आए हैं उसको कब आप भूल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक आपके लाइफ में लाइट लेकर आ रहे हैं गोल्डन लाइट यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो यह गोल्डन लाइट है जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी हीलिंग लेकर आएंगे एक नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में जैसे कि एक पेड़ होता है ना एक पौधा है ठीक है उसको काट दिया गया तो क्या है? वो फिर से ग्रो नहीं करेगा डेफिनेटली ग्रो करेगा ही फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर वो कट हो गए तो क्या वो ग्रो नहीं होंगे डेफिनेटली वो ग्रो होंगे तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे लाइफ दिखाई दे रहा है कि अभी आपका जो ये प्यार का पेड़ था ठीक है वो कट गया वो झड़ चुका है किसी के द्वारा काट दिया गया ठीक है आपके कार्मिक पार्टनर के द्वारा लेकिन ये पेड़ डेफिनेटली उग जाएगा ये जो आपका प्यार का पेड़ है एंड इस पर थोड़ा सा सेवा करने की जरूरत है ठीक है मतलब कि पैम्पर करने की जरूरत है नरिशमेंट देने की जरूरत है और ये पैम्पर ये नरिशमेंट आपके न्यू पर्सन से आपको मिलेगा ठीक है यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन के साथ अच्छा खासा आप टाइम स्पेंड करोगे और फिर उसके बाद ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे कि जल्दी नहीं दिखाई दे रही है ठीक है ये पर्सन इनको पता होगा कि आप इनके लिए लॉयल हो ये आपके लिए लॉयर है तो ये पर्सन आपके लिए वेट भी करेंगे एन कुछ लोगों की लव मैरिज भी दिखाई दे रही है ठीक है मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ नाइन मंथ के बाद या नाइन मंथ के अंदर रिलेशनशिप में आओगे उसके बाद आप लोग एक साल कम से कम या दो साल के अंदर ही शादी करोगे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कम से कम तीन चार महीने तो अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे ही करोगे ठीक है तो ये चीज़ है ये पर्सन आपको इतना ज्यादा यकीन खुद पे दिलाएंगे इतने ट्रस्ट वर्दी होंगे कि आप जो है इनको ना कभी कर ही नहीं पाओगे ठीक है तो ये चीज़ है ये पर्सन आपको पहले पैम्पर करेंगे ख्याल रखेंगे आपका उसके बाद आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है और जो भी अरेंज मैरिज कर रहे हैं शादी जिनकी हो जाएगी वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखेंगे बिल्कुल क्यूट इनोसेंट की तरह एक रैबिट की तरह ये पर्सन खुद है और वो आपको ट्रीट भी करेंगे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे ठीक है इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है मतलब आपके जो पर्सन है ये कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है मतलब अपने फैमिली से प्यार करना फैमिली को याद रखना ठीक है दस दिन के लिए कहीं बाहर चले गए तो कॉल पे बात करना वीडियो कॉल पे बात करना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि जो कुछ लोग बाहर जाते हैं ना अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर को भूल जाते हैं लेकिन ये ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और अच्छे पर्सन है मतलब कम एज में ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है ठीक है जैसे किसी का दिल टूटना हो गया फैमिली से बिछड़ना तो ये सारी चीज़ें इनके जीन में है कह सकते हैं और इनको बहुत अच्छा संस्कार वगैरह भी मिला है ठीक है तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है अपने इस कमिटमेंट को जो भी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं उसको काफ़ी अच्छे से निभाएंगे और प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे ठीक है इनका जो दिमाग होगा वो काफ़ी ज़्यादा शांत होगा शांत स्वभाव के होंगे ये पर्सन इनका जोरिक्स एन मैं आपको बता देती हूँ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो ठीक है दूसरा यहाँ पे एनर्जी हो सकता है इस पर्सन का एरिस लियो सैजिटेरियस ठीक है कुछ लोगों के पर्सन जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शांत होंगे बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे स्पिरिचुअल होंगे ठीक है और कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं ये भी एनर्जी है ठीक है सिचुएशन पर डिपेंड करता होगा हो सकता है कि हमेशा नॉर्मल से रहते होंगे और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन हो गया वर्स सिचुएशन हो गया एक्सेस हो गया तब ये पर्सन गुस्सा करते होंगे एंड गुस्सा भी देखने लायक होता होगा इस पर्सन का ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रेकी हीलिंग हो गया ये पर्सन खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं मोटी आ, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं दूसरों को मोटिवेट करना इंस्पायर करना ठीक है एक स्पिरिचुअल पर्सन ये ज़रूर होंगे ठीक है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है ठीक है नाइन ऑफ कप्स ये पर्सन तो बिल्कुल रेडी है शादी करने के लिए मतलब ये इन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया आप देख सकते हो दोनों कार्ड है यहाँ पे बहुत कुछ हासिल कर लिया है नेम फेम हासिल कर लिया है अच्छे लोगों से कांटेक्ट कर लिया है ठीक है अच्छा बिजनेस है इस पर्सन का और सारे लोग वेल विशर सपोर्टर कर दिखाई दे रहे हैं इनके और बस इनको अब अपने लाइफ में सेटल होना है कोई ऐसे पर्सन को खोज रहे हैं जिसपे अपनी सारी दौलत अपना सारा प्यार जो है निछावर करें ठीक है ऐसे पर्सन को ये पर्सन खोज रहे और आपके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप जो है इनके डेस्टिन पार्टनर हो दूसरी बात यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाओ ऐसी एनर्जी भी है अगर बात की जाए इनके बैकग्राउंड की तो बहुत रिच होंगे ठीक है बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छे घर के दिखाई दे रहे हैं संस्कारी दिखाई दे रहे हैं ये सारी एनर्जी है और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट्स के हो सकते हैं या फिर म्यूजिक में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है ठीक है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स ओके सेवन ऑफ ये पर्सन प्रार्थना बहुत करते होंगे प्रेयर बहुत करते होंगे दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कल्चर होंगे ट्रेडिशनल वगैरह को फॉलो करते होंगे पूजा पाठ बहुत करते होंगे ठीक है चाहे कोई भी रिलीजन से हो उस रिलीजन में जिस भी भगवान को माना जाता है उसको बहुत ज़्यादा मानते होंगे प्यार करते होंगे इनको पूरी तरह ट्रस्ट करते होंगे तो इनकी अगर पर्सनैलिटी देखी जाए ओवरऑल तो ये शांत स्वभाव के हैं ठीक है और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं स्पिरिचुअल भी हैं रिच है नेम फेम है काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है ठीक है, है, काफी है और काफ़ी सॉफ्ट हर्टेड होंगे कभी कोई गलती होगी तो तुरंत हाथ जोड़ के आपके सामने माफ़ी भी मांगेंगे और बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली लाइफ आपका होगा इस पर्सन के साथ ये क्लियरली यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है ठीक है ये जो है सिर्फ पार्टनर नहीं होंगे बल्कि आपके एक दोस्त होंगे जो कि आपको अच्छे से समझेंगे कुछ लोगों के लिए डिफरेंट नेशनैलिटी किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के हो ठीक है ये हो सकता है यूरोप के रहने वाले हो ठीक है कोरिया के रहने वाले हो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनका हेयर कलर जो है ब्राउन टाइप हो सकता है काफी डिफरेंट होगा अगर आपका हेयर कलर ब्लैक है उनका ब्राउन हो सकता है काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है अपियरेंस में ठीक है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ओके पेज ऑफ वॉन्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा मैसेज आ चुका है काफ़ी ज़्यादा खेल कूद करने वाले होंगे चाहे इनका एज कुछ भी हो ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं एंड यस डेफिनेटली आप भी इस पर्सन के साथ इस तरीके से इंजॉय करोगे उसके बाद है एनर्जी ओह माय गॉड दैट्स ग्रेट टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है इट मीन्स कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो है आपके सोलमेट एंड चाहे कुछ भी हो जाए कैसा भी सिचुएशन कंडीशन क्यों ना हो ये पर्सन आपका हाथ थाम कर रखेंगे इस तरीके से हाथ को पकड़ेंगे आपके ठीक है और जब आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे फिर उसके बाद यह ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा रेनबो जैसा दिखाई दे रहा है कलरफुल होगा आपका मैरिड लाइफ ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ फॉर दी मेक्यूरेट मैसेज देखिए मेरी ये प्रे रहेगी कि आप लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा रहे है. मैं हमेशा ही प्रे करती हूँ ठीक है और हमेशा करती रहूंगी सभी के लिए प्लीज गॉड गिव मी एकट मैसेज पेज ऑफ कप्स ओके काफी फेयर दिखाई दे रहे हैं मुझे फेयर हो सकते हैं आपके पर्सन ओ oh माय गॉड कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं द सन की एनर्जी है एंड इनको पेट वगैरह रखना भी काफी ज्यादा पसंद होगा एंड बॉटम ऑफ द डेक है हेरियो फैंथ ठीक है सो so ये चीज है कोई आपका साथ दे या ना दे ये पर्सन आपके साथ हमेशा है ठीक है इतना आप मान लो शादी के बाद हो सकता है अभी नहीं मिले हो लेकिन जब मिलोगे तो फिर आपको पता चलेगा ठीक है इनको जो है ड्राइंग वगैरह करना भी काफ़ी पसंद होगा जैसे रंगोली वगैरह बनाना बहुत पसंद होगा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो मेल या फीमेल ये जो पर्सन है फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे फैमिली के साथ कोई ओकेजन वगैरह हो गया सेलिब्रेट करना ठीक है सन आपको यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में नए ऊर्जा का संचार लेकर आ रहे हैं ठीक है नई खुशियाँ लेकर आ रहे हैं और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने को मिल सकता है बहुत सारे आइडियाज़ इस पर्सन के साथ शेयर करोगे कल्चर शेयर करोगे ठीक है रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है बहुत सारे लोगों में ठीक है ये भी दिखाई दे रहा है मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है कैसी है इनकी ओवरऑल एनर्जी और बाउंडिंग कैसी रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है प्लीज़ वॉट बी एक्यूरेट मैसेज ओके एट ऑफ एयर की एनर्जी है सबसे पहले यहाँ पे आपके अंदर जो कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है एंड इस पर्सन की वजह से ये जो पर्सन है कभी किसी चीज को लेकर डरे रहोगे कोई एक्शन लेने में डरोगे ठीक है कुछ करने में डरोगे कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो ये जो पर्सन है आपको पुश करेंगे ठीक है ये आपको मोटिवेट करेंगे तो ये जो पर्सन है किसी के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हो या ना हो ठीक है कि किसी के लिए मोटिवेशन हो या ना हो आपके लिए ज़रूर होंगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे ठीक है क्रिएटिव सॉल्यूशन आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम बाहर से आपको देखने को मिलेगा ठीक है कोई थर्ड पार्टी इंटर करने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ये उस चीज़ का बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालेंगे ये पर्सन आपको लेकर बहुत केयरफुल होंगे इस रिश्ते को लेकर बहुत केयरफुल रहेंगे ठीक है और भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन ओके यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कोई बिजनेस आप जरूर शुरू करोगे इस पर्सन के साथ जब आपकी शादी होगी तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा और बिजनेस का डिसीजन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बहुत लकी रहोगे अगर आप लोग बिजनेस करोगे अपने पर्सन के साथ तो ठीक है या फिर हो सकता है कि बिजनेस के दौरान आप लोग मिलो किसी सेमिनार वगैरह मिल सकते हो कहीं स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह में गए हो बिजनेस के सिलसिले में गए हो मिल सकते हो वहाँ पे एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ अर्थ की एनर्जी है ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ, ले आ रहे हैं स्पेशली मनी टाइम ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं एंड ये आपके लाइफ में जब आएंगे तो आपको करियर में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जितने भी आपके कर्ज वगैरह रहे हैं ना तो वो सारे चीज़ें दूर करेंगे तो ये पर्सन मे बेबी आपको फाइनेंशली भी सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली तो डेफ़िनेटली सपोर्ट कर ही रहे हैं फाइनेंशली भी सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं ये इनके ड्रीम होंगे एंड स्पेशली मेनली पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम रहे हैं उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और जो आपके प्रॉब्लम है ये इनके प्रॉब्लम बन जाएंगे एंड सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे ठीक है एंड नाइन ऑफ अर्थ ओ माई गॉड ब्यूटिफुल इन्जॉय लाइफ देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लग्जरियस होने वाला है आपका मैरिड लाइफ ठीक है उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में जब इस पर्सन के साथ होगी तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ देकर जाएगी आपको एंड देन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए दिस वन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में शादी के बाद ठीक है ऐसा नहीं कि शादी के पहले सिर्फ बल्कि शादी के बाद आप और भी बहुत ज़्यादा अपने स्किल पे अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो अपने आप को और भी ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो शार्प बना रहे हो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ये सब क्यों हो रहा है पता है क्योंकि आपको इमोशनल फ्रीडम मिल रहा है जो भी आपके मन में तनाव थे टेंशन थे शादी वगैरह को लेकर या बुरे पर्सन को लेकर कार्मिक रिलेशनशिप वगैरह ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती थी, थी आपके लाइफ में अब तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी ना वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपके लाइफ में क्या बचेगा आपका करियर कि अब मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है नेम फेम हासिल करनी है उसके बाद क्या होगा कि आप पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना शुरू करोगे और आपके पार्टनर तो रहेंगे ही साइड से आपके साथ में सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में खुद आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी ठीक है एंड यहाँ पे टेन ऑफ वाटर है सो so, टेन ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि दस महीने लगेंगे शादी में एंड ये चीज़ है क्लियरली है क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन लॉस के साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होगा आपका ठीक है एंड यहाँ पे जो इन लॉस होंगे वो आपको काफी ज्यादा इमोशनली और मिटलिस्टिक थिंग्स से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिया करेंगे कौन इन लॉस ओके एंड आपके पर्सन तो डेफिनेटली देंगे एंड इन लॉस भी स्ट्रेंथ सो so, इन लॉस जो होंगे ना वो आपके स्ट्रेंथ की तरह रहेंगे आपके साथ ठीक है ग्रेट इनर स्ट्रेंथ इट्स पर्सन के साथ आपको फील होगा कभी कोई गलती होती है आपसे तो आपके इन लॉस भी आपको माफ करेंगे एंड साथ साथ आपके पार्टनर तो आपको माफ करेंगे ही करेंगे ठीक है सो अब मैं आपको कुछ और भी कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि इन लॉस कैसे होंगे ठीक है स्पेशली इन लॉस के लिए द मून देखिए आप इन लॉस को लेकर डरोगे मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत में आप इन लॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर में रहोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन वाले हैं बहुत डिसिप्लिन है ठीक है तो देखिए किसी को भी अगर आप बाहर से देखोगे ना तो ऐसा आपको हमेशा ही फील होगा कि ये लोग बहुत डिफरेंट है मेरे से लेकिन जब आप उनके साथ बैठोगे घुलोगे मिलोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये सच में रियलिटी में कैसे है तो ये चीज़ है कि पहले आपको डर जैसा फ़ील होगा ऐसा लगेगा कि ये लोग बहुत डिफरेंट है एज में डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे लोग जो होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे बुजुर्ग होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनके साथ क्या ही अपनी बातें करूँ शेयर करूँ लेकिन वो लोग ना बिल्कुल बच्चे की तरह होंगे ठीक है इंसान जो है वो एज से जो है बड़ा होते चला जाता है होते चला जाता है लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे की तरह होता है ठीक है और इन्जॉय करना चाहता है लाइफ को वो तो बॉडी है जो कि धीरे धीरे साथ देना छोड़ देता है लेकिन क्या होता है इंजॉय तो सभी करना चाहते हैं कभी आप देखना किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठना वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे ठीक है उनके अंदर वो आप एनर्जी नोटिस कर पाओगे तो यही चीज़ है कि आपके मन में अगर कोई फियर है तो वो खत्म कर दीजिए क्योंकि आपके इन लॉज के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहेगा ठीक है वो बहुत सपोर्टिव होंगे चाहे आपसे एज में कितने ही बड़े क्यों ना हो उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के साथ आपकी अवेकनिंग होगी एंड आपका जो परस्पेक्टिव है ना सीनियर सिटीजन वगैरह को लेकर या बड़े लोगों को लेकर कि वो आप लोगों से डिफरेंट होते हैं वो सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहा है आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हुए दिखाई दे रहा है सोच आपकी बदलते हुए दिखाई दे रही है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे इन लॉस एक कारण और इन लॉस के लिए सिर्फ ओके सो लाउ के लिए कार्ड आपके लिए आया है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है इनके वजह से और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद ये लोग आपको हो सकता है ये एक नए घर में शिफ्ट कराएं अ न्यू होम दिखाई दे रहा है शादी के बाद आप लोग किसी नए घर में जाओगे जो बिल्कुल नया नया सब बना हुआ होगा ठीक है ये चीज़ है शादी होकर नए घर में जाते हैं वो तो अलग बात है लेकिन जिस घर में जाओगे वो घर ही खुद बहुत ज़्यादा प्योर होगा न्यू होगा ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं द वे यू टॉक वॉक स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मिल्क माई हार्ट ठीक है तो ये तो काफी रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं आपके जो पर्सन ठीक है आपका चलना आपका बोलना आपका हंसना सभी कुछ इनको पसंद आएगा चाहे आप रोग रोगे बिना तब भी वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे नज़रों से देखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगे उनको एंड देन है यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड वेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स तो जब भी ये स्टार की तरफ देखेंगे यूनिवर्स की तरफ देखेंगे तो ये थैंकफुल रहेंगे ये ग्रेटफुल रहेंगे यूनिवर्स के लिए कि आप दोनों को मिलाया गया ठीक है आप जो है इनके लाइफ में आए इसके लिए और जब भी ये स्टार की तरफ देखेंगे तो आपका ही ख्याल आएगा ठीक है वेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन आम ईल सो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो है ना और आप जो है बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हो अपने फ्यूचर स्पाउस की एंड इसी वजह से ये जो पर्सन है आपके ऊपर पूरी तरह फ्लैट होंगे ठीक है एंड देन है यहाँ पे आई सी योर फेस एवरी टाइम वेन आई क्लोज माई आईज तो ये बहुत बड़ी बात हुई है जब ये पर्सन आप बंद करते हैं तो ये सिर्फ आपका चेहरा दिखते हैं ऐसी एनर्जी है यू आर माई स्ट्रेंथ और राइट यू से सिली एंड क्यूर थिंग टू मेक मी लाइफ एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हंसाओगे खुश रखोगे ये होना चाहिए एंड द वे यू लव मी उसके बाद यहाँ पर यह भी है कि आप दोनों बहुत सारे मेमोरीज एक साथ क्रिएट करोगे एंड वो सारे मेमोरीज को काफ़ी अच्छे से फ्रेम में फोटोज़ में रखोगे ठीक है और उसके बाद है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल वन थिंग्स और गुड और बैड तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी इनके साथ बुरा घटित हुआ है आपके साथ हुआ है अच्छा हुआ बुरा जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है उस सारी एक्सपीरियंस आप अपने पर्सन के साथ शेयर करोगे जो भी चाइल्डहुड में आपने शेयर किया जो भी टीन का टाइम था कॉलेज का टाइम था वो सारी बातें आप अपने पर्सन के साथ शेयर करोगे आपके जो पर्सन है वो आपसे अपनी हर एक बातें वो कैसे झूठ बोलते थे पेरेंट्स के साथ वो सब कुछ अपने चीज़ें आपको बताएंगे ठीक है सो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या रेमेडी है आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले रेमेडी है कुछ लोगों का दोष दिखाई दे रहा है एंड ये राहु दोष आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप गॉडेस दुर्गा का पूजा करते हो ठीक है या फिर उनको याद भी करते हो तो यहाँ पे रिमूवल हो सकती है आपके ऑब्स्टिकल्स की एंड देन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक है दोनों के लिए है अगर आप चाहें तो सेवा कर सकते हो जैसे एनिमल की स्पेशली यहाँ पे खाओ को आप जो है रेगुलरली जो है रेगुलरली ग्रासेस वगैरह खिला सकते हो उसके बाद स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि कभी कभी आपको बहुत एक ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होना चाहिए लाइक गॉडेस पार्वती एंड यहाँ पे है यू शुड वियर येलो क्लॉथ ऑन ट्रस्डे ट्रस्डे को आप येलो क्लॉथ पहन सकते हो एंड वाइट क्लॉथ पहन सकते हो फ्राइडे को ठीक है काफी अच्छा होगा एंड न्यू क्लॉथ्स भी पहना कीजिए इन सारे दिनों पे जैसे येलो जो मैंने आपको कलर बता दिया डे के लिए ओके okay, सो so यहाँ पे एक चीज कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे तो थर्सडे को सॉल्ट वगैरह अवॉइड कर सकते हो ठीक है एंड देन है यहाँ पे आपके लिए जो भी मैरिजेबल है जो भी शादी करना चाहते हैं सिंपली अगर आप बॉयज हो और चेहरा इधर उधर करके सोते हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपना चेहरा करके सोना चाहिए ठीक है बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका एंड गर्ल्स जो भी यहाँ देख रही हैं उनको नॉर्थ वेस्ट में ठीक है एंड देन यहाँ पे एक लास्ट है लास्ट में है यहाँ पे आपके लिए कि आप जो है शिव और पार्वती के बीच में जो है धागा होता है बांध सकते हो ठीक है और यहाँ पे प्रेयर जरूर कीजिए अपने अर्ली मैरिज के लिए ये चीज़ कहा जा रहा है प्रेयर कीजिए प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत होता है तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके रेमेडी है अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका नेम इनिशियल क्या है ताकि आप पहचान सको आप अपने करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो प्लीज गेम एक्यूरेट मैसेज वाई है जे डी एच यू बी एल के ए प्लीज गेम एक्यूरेट मैसेज डब्ल्यू आई वी जी ठीक है तो ये सारे नेम इनिशियल फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है ठीक है आप अपने करेंट पार्टनर से ज़रूर मैच कीजिए उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कंट्री कौन से कंट्री के होंगे या फिर हो सकता है कि आप जो है शादी के बाद इन सारी जगह पे शिफ्ट हो जाओ सबसे पहले आपके लिए बांग्लादेश है श्रीलंका है जापान हो सकता है ब्राज़ील हो सकता है अर्जेंटीना पाकिस्तान है आपके लिए एंड देन है आपके लिए आइसलैंड यूएसए ऑस्ट्रिया मेक यू गिट मैसेज इंडिया यूके कैनेडा इजिप्ट है यहाँ पे आपके लिए इंडोनेशिया है नेपाल एंड एक लास्ट है आपका जर्मनी ठीक है तो ये सारे कंट्रीज है जहाँ पे आप अपने हनीमून के लिए जा सकते हो या फिर आप अपने पर्सन के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो वो सकता है कि काम की वजह से ये यह पर्सन यहाँ रहते हो या फिर हो सकता है कि ये सारे कंट्रीज कहीं हो ठीक है नेशनैलिटी हो सकती है ये पर्सन होंगे एक्टर दैट्स ग्रेट बार टेंडर फिटनेस ट्रेनर एरोबिक ट्रेनर डॉक्टर बिजनेस में हो सकते हैं फैशन डिजाइनर ब्यूटिशियन एंड देन है यहाँ पे आपके लिए सिविल सर्वेंट एक्साइज इंस्पेक्टर मेंटल हेल्थ काउंसलर यूट्यूबर भी हो सकते हैं योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ डॉक्टर फिर से डॉक्टर बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट पेंटर हो सकते हैं ठीक है आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं आईएएस एंड स्टेट पी ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कुछ लास्ट क्राफ्ट आर्टिस्ट एयर होस्टेस स्टेट पी ऑफिसर सो प्रोफेशन है एंड काफ़ी अच्छे प्रोफेशन है देखिए काम कुछ भी हो बस लगन से करना चाहिए ठीक है यहाँ पे ये प्रोफेशन है आपके पर्सन के एंड ये जो पर्सन है इनका लुक्स वगैरह कैसा होगा वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे ठीक है एंड ये जो पर्सन है हेल्पफुल होंगे शॉर्ट हेयर होगा ठीक है इस पर्सन का एंड फुल लिप्स होगा इस पर्सन का एंजेलिक लुक होगा अब इससे ज़्यादा क्या ही ठीक है एंड दो तीन लास्ट मैं आपको बता देती हूँ ये लंबे होंगे ओके okay. यहाँ पे मार्वलस है जो कि फ्लिप आउट हो चुका है गिर चुका है एंड बिल्कुल ये जो पर्सन है ना सेल्फिश uh, नहीं होंगे डायनेमिक एनर्जी होगी एंड यहाँ पे है ब्राउन हेयर कलर हो सकता है पेट लवर हो सकते हैं ये पर्सन ब्लैक आइज हो सकता है पोलाइट होंगे स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे एंड देन राउंड आइज होगा इकोसेंट्रिक कुछ लास्ट है वहाँ पे रिलीजियस होंगे और चेहरे पे थोड़ा सा पिंपल वगैरह हो सकता है ठीक है और राइट एलिगेंट लुक बहुत अच्छा होगा अट्रैक्टिव होंगे ठीक है ये सारे इंफॉर्मेशन है आपके फ्यूचर पाउस के लिए होप आपको क्लैरिटी मिली होगी समझ में आया होगा शादी में थोड़ा टाइम है जैसे कि सेवन मंथ नाइन मंथ थ्री ईयर टू ईयर दिखाई दे रहा है ठीक है सो अगर आप लोग चैनल तो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर बन जाइए पेड पर्सन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी और इंस्टा आई के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में जी मेल इंस्टा आई वगैरह दिया गया है तो आप जो है लिंक पे क्लिक करके इंस्टा पे पहुँच सकते हो ठीक है ओके सर चलते हैं तो लिए के लिए बाई टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी